नमस्कार दोस्तों, एक अपाहिज लड़की ने किसे गिफ्ट किए एक जोड़ी जूते। हमारी आज की कहानी अपाहिज लड़की। एक बार एक डाकिये ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा कि चिट्ठी ले जाओ। अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि आती हूँ, लेकिन 3-4 मिनट तक कोई नहीं आया तो डाकिये ने फिर कहा, अरे मकान में कोई है या नहीं। अंदर से लड़की ने बोला कि साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। तो डाकिये ने कहा, नहीं, मैं यही खड़ा हूँ, कागज पर आपके दस्तखत करना होगा। 6-7 मिनट के बाद दरवाजा खुला। देर होने की वजह से डाकिया बहुत गुस्से में था। वो चिल्लाने वाला था कि तब तक दरवाजा खुला, और वह यह देखकर चौंक गया कि एक सामने अपाहिज कन्या है जिसके पाँव नहीं थे, बिल्कुल सामने खड़ी थी। डाकिया ने उस कन्या को पत्र देकर और उसके दस्तखत लेकर वहाँ से चल दिया। अगली बार से जब भी उसके घर पत्र लेकर जाता तो वह डाकिया उसके घर पर एक बार आवाज़ देकर चुप हो जाता, तब तक जब तक वह कन्या बाहर नहीं आ जाती। एक दिन उस कन्या ने डाकिये को नंगे पांव देखा। दीपावली नज़दीक आ रही थी। उस कन्या ने सोचा कि डाकिये को क्या उपहार दूं। अगली बार जब डाकिया उसके घर आया तो उसके घर के दरवाजे के आगे जो मिट्टी थी उस पर डाकिये के पैरों के छाप आ गए थे, जिन्हें वह कन्या कागज़ पर उतार कर उसके पैरों के नाप ले लिए। अगले दिन उस कन्या ने अपने नौकर से उस माप की एक जोड़ी जूते मंगवा लिए। अगले दिन डाकिये ने गली के हर व्यक्ति से उपहार तो मांगा, लेकिन फिर सोचा कि इस बिटिया में से मैं क्या उपहार ले सकता हूँ। पर उसने सोचा कि गली में आया हूँ तो मिल ही लूँ। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? इसके जवाब दिया डाकिया ने। उस लड़की ने अपने हाथों में से उस जूते को अच्छे से एक डिब्बे में डाल कर लाई और दरवाजा खोलते हुए कहा, ये लीजिए आपका दिवाली का उपहार, आपको यह तोहफा मेरी तरफ से भेंट है। डाकिया ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, मैं तुमसे उपहार कैसे ले सकता हूँ। कन्या ने आग्रह किया कि मेरे इस उपहार के लिए मना न करें। जैसे ही डाकिये ने उस डिब्बे को हाथ में लिया, कन्या ने कहा, आप इस डिब्बे को घर ले जाकर ही खोलिएगा। घर जाकर जब डाकिये ने उस डिब्बे को खोला तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसमें 2 जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले ही दिन वह ऑफिस पहुंचा और अपने मालिक से कहा कि मेरा यहाँ से तबादला फौरन कर दिया जाए। मालिक ने कारण पूछा तो उसने उस जूते को मेज पर रखते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई और भीगी हुई आंखों से कहा कि आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज लड़की ने मेरे नंगे पांव को जूते तो दे दिए, पर मैं उस पांव कैसे दे पाऊंगा उसको पांव। और मन में उस अपाहिज के लड़की के प्रति करुणा आ गई। तो दोस्तों, संवेदनशीलता यानी दूसरों के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संवेदनशील बनाए, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में उनकी मदद कर सकें। हमें सबके दुख दर्द को समझना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझ सकते, तब तक हमेशा हमें यही लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी आपके पास ही हैं। आशा करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।